रस्मों रिवाज भारतीय संस्कृति के विशेष अंग हैं, लेकिन क्या आज के समय में इनकी कुछ सार्थकता है, या फिर ये एक अंधे के हाथ में दीपक लेकर चलने जैसा है? एक अंधा आदमी अपने मित्र के घर कुछ दिनों के लिए रुका और फिर अपने घर वापस जाने के लिए रात के समय निकला। उसके मित्र ने उसे एक लालटेन जलाकर हाथ में दे दी। अंधा व्यक्ति विरोध करते हुए बोला, मुझे लालटेन की क्या जरूरत है, मेरे लिए सब एक जैसा ही है। जो इंसान अंधा है उसे दीपक लेकर चलने से क्या फायदा होगा? कर्नाटक में एक विशेष परंपरा है, जब किसी मेहमान को मांसाहारी भोजन परोसा जाता है तो पत्तल के एक तरफ एक छोटा मूसल रख देते हैं। मैंने बहुत से लोगों से इसका कारण पूछा, लेकिन उनको पता नहीं था। मित्र बोला, मेरे प्यारे दोस्त, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो तुम्हारे सामने आएंगे। तुम ये प्रकाश लेकर चलोगे तो कोई तुम्हें टक्कर नहीं मारेगा। तब अंधा बोला, अगर ये बात है तो मैं इसे ले जाऊंगा। वह अंधा जली हुई लालटेन लेकर अंधेरे में चलने लगा। इसके बावजूद भी रास्ते पर चलते हुए एक आदमी आकर सीधे उससे टकरा गया। अंधा आदमी लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा और गुस्से से बोला, तुम मुझसे क्यों टकराए? मेरे पास दीपक था, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था कि तुम कहां जा रहे थे? वो आदमी जो उससे टकराया था इधर उधर देखते हुए बोला, कौन सा दीपक, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। फिर वो दीपक उसे मिला और उसने कहा, हां यहां एक दीपक है, मगर मेरे दोस्त इसकी लो तो कब की बुझ चुकी है। सदगुरु कहते हैं, उस आदमी के पास दीपक था जिससे प्रकाश हो रहा था, लेकिन उसे ऊपर उठाकर चलना जबकि उसकी लौ बुझ चुकी हो, एक अर्थहीन काम है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमने अपने जीवन में किसी खास उद्देश्य से शुरू की थी, पर अब उन उद्देश्यों की मूल गुणवत्ता समाप्त हो चुकी है और अब हम इन्हें बस एक रस्म रिवाज या परंपराओं की तरह किए जा रहे हैं। कर्नाटक में एक विशेष परंपरा है, जब किसी मेहमान को मांसाहारी भोजन परोसा जाता है तो पत्तल के एक तरफ एक छोटा मूसल रख देते हैं। मैंने बहुत से लोगों से इसका कारण पूछा, लेकिन उनको पता नहीं था। फिर परंपराओं को अच्छी तरह से जानने वाले कुछ बड़े बूढ़ों से बात करने पर मुझे इसका जवाब मिला। हम उन चीजों को बस इसलिए करते रहते हैं कि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे और बस वह एक रस्म बन जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कुछ खास क्रियाएं कई पीढ़ियों से हम क्यों करते आ रहे हैं, और हम हमेशा उलझन में रहते हैं कि इनकी हमारे जीवन में जरूरत है भी कि नहीं। बहुत पहले परंपरा ये थी कि मांसाहारी भोजन के समय अगर दांतों में कुछ फंस जाए तो दांत कुरेदने के लिए एक छोटी सी डंडी रख दी जाती थी। समय बीतने के साथ डंडी का आकार बड़ा होता गया और लोग बड़ी डंडी या छड़ी रखने लगे, और फिर किसी मूर्ख ने छड़ी की जगह मूसल रखना शुरू कर दिया। फिर यह एक स्थायी परंपरा बन गई। किसी ने इसका कारण पूछने की जरूरत नहीं समझी। क्या कोई मूसल का उपयोग दांत कुरेदने के लिए कर सकता है? इसी तरह हम अपने जीवन में कई बार कुछ खास लाभ लेने के लिए कोई विशेष क्रिया शुरू करते हैं, पर बाद में भूल जाते हैं कि यह क्रिया मूल रूप से क्यों शुरू की गई। हम उन चीजों को बस इसलिए करते रहते हैं कि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे और बस वह एक रस्म बन जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कुछ खास क्रियाएं कई पीढ़ियों से हम क्यों करते आ रहे हैं, और हम हमेशा उलझन में रहते हैं कि इनकी हमारे जीवन में जरूरत है भी कि नहीं। एक दीपक लेकर चलने वाले अंधे आदमी की तरह
कुछ ऐसे साधन जो हमें हमारे जीवन में मार्ग दिखाने के लिए किसी अच्छे उद्देश्य के लिए दिए गए थे, वे अब अंधश्रद्धा बन गए हैं। अब समय आ गया है कि हम उनके सही उद्देश्यों को समझे और उन्हें अपना मार्ग दिखाने वाला दीपक बना ले, वरना कम से कम हमें अपने लिए कुछ ऐसे नए साधन बना लेने चाहिए जो हमारा मार्ग प्रशस्त करे। धन्यवाद।